ଏଇ ଯେଉଁ 29 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, ତାହା ପୁଣି ଭାୟା ନୟାଗଡ଼ ଚାରିଛକ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ଭିତରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ, ତା ଭିତରେ 7ଟି ଟନେଲ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କେବଳ ଯେ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟନେଲ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ଟନେଲ ହେ, ଆପ୍ ତ ପହେଲେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ମେ ଆପ୍ କାମ କିଏ ହେ, ଇଏ जो टनल है, 7 टनल है, इसमें क्या जो है यूनिक टेक्निक क्या है जो यहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे जो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड NATM यूज करते हैं। इसमें क्या है कि एडवांसमेंट जो है पूरे प्रॉपर सपोर्ट्स के साथ जाते, जैसे कि पहले एक मेथड इंडिया में चलते थे कन्वेंशनल, उसमें जैकमर से भी हम लोग ड्रिलिंग करते थे इनिशियली मैनुअली, उसमें सपोर्ट अरेंजमेंट का थोड़ा बहुत लैगिंग होता था। इसमें न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड में क्या है कि जितना हमने एडवांस होना है उसकी पूरी सपोर्ट करके ही हमने आगे बढ़ना है। जैसे कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो गई, उसके बाद हम लोग स्प्रे शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट के बाद वायर मेश हो गया, रॉक बोल्टिंग हो गई जो हमारी अकॉर्डिंगली रॉक क्लास के 3-4 मीटर लेंथ की रहती है इनसाइड द रॉक, उसके बेस पे हम लोग रॉक बोल्टिंग करते हैं। सपोज़ हमारी क्लास थोड़ी ख़राब है तो उसमें पाइप प्रूफिंग या फोर पोलिंग भी हम लोग करते हैं, एक अम्ब्रेला बना के उसके नीचे फिर एडवांसमेंट करते हैं। सर, अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि जब टनल का काम होता है, कोई कोई टनल में अगर देखा जाए तो जैसे गीली मिट्टी की जो होता है प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ टनल में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे? जैसे गीली मिट्टी का तो नहीं है, लेकिन हाँ रॉक क्लास पुअर हमें ज़रूर मिली है, जैसा कि साहब ने बताया था, मिस्टर आर के मोहंती साहब ने, हमारी जो सबसे लंबी टनल T4 है, टनल नंबर 4, उसमें अभी जो हम लोग एडवांसमेंट हो रहे हैं वहाँ पे हमें रॉक क्लास 5 और 4 ही मिल रहा है। जहाँ पे हम लोग जो आप बता रहे हैं मिट्टी वाली वो मिल रही है, तो उसमें हम लोग पाइप प्रूफ का पहले अम्ब्रेला बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 1 या 1.5 मीटर जैसा अलाउ करती है रॉक, उस बेस पे एडवांसमेंट करते हैं सपोर्ट के साथ पूरा। अगर देखा जाए ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, इस रास्ते में 7 टनल क्रॉस करके ट्रेन इधर जाएगा, वाइब्रेशन होगा, लोग उसमें बैठेंगे, तो यहाँ उस समय का क्या मतलब लोगों के जैसे मन में होता है कि टनल के अंदर अभी ट्रेन जा रहा है, जो मन में होता है प्रॉब्लम जैसे कि दिक्कत हो जाता है लोग, तो उस समय का लोगों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, उस समय के लोगों को मैसेज यही देना है कि अपना सुरक्षित, उनको ये मान के चलना है कि टनल जो बनी है पूरी तरह से सुरक्षित है उनके लिए, उसमें कोई भी उनको ऐसा कोई मिसहैपनिंग नहीं होने वाली है। इवन जो लॉन्गेस्ट टनल्स रहती हैं उनमें लाइटिंग और जो जैसे सफोकेशन की आप बात कर रहे थे बीच में कोई रिपोर्टर, तो इसमें वेंटिलेशन फैंस भी रहेंगे बीच बीच में, वो फ्रेश एयर्स को जो है अंदर ब्लो करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे फैन का अगर सिस्टम किया जाएगा, लाइटिंग का? लाइटिंग तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है टनलिंग के अंदर 100 लक्स की, वो लाइटिंग उसके हिसाब से लगाई जाएगी। वेंटिलेशन के लिए जैसे छोटी टनल्स हैं तो इनमें वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसे आप देख रहे हैं नेचुरल ड्राफ्ट से ही आपको अच्छी हवा मिल रही है। जो लंबी टनल रहेंगी उनमें वेंटिलेशन फैंस भी लगेंगे आफ्टर, जब टनल पूरी हो जाएगी और जब ट्रेन ट्रैवल करेगी उस बीच में साइड में जो है उनमें वेंटिलेशन फैन रहते हैं। और सर, अगर देखें जितने भी काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, उनके सुरक्षा के लिए आप लोग क्या ले रहे हैं? सुरक्षा के लिए मैडम सारे, जैसे कि हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग वाला मतलब अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो विद प्रॉपर सपोर्ट्स जा रहे हैं, जो हम लोगों ने रॉक क्लास के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है उसके सपोर्ट्स के साथ जा रहे हैं। पर्सनल अगर बात करेंगे तो हम लोग विदाउट PPEs किसी को अंदर अलाउ ही नहीं करते हैं टनल में, इवन आउटसाइडर्स के लिए विदाउट परमिशन भी अलाउ नहीं है। सर, जो 7 टनल काम हुआ है उसमें कौन सा टनल में ज़्यादा दिक्कत हुआ काम करने में? अभी जो हमारी 4 टनल का काम चल रहा है 4, 5 और 6, 7, उसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें टनल नंबर 4 में आ रही है, वहाँ की जियोलॉजी जो है और टनल से थोड़ी वीक है। तो सर, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी यही है मैम, उसमें क्या है कि जैसे वीकर क्लास की रॉक मिल रही है, अगर हमें लूज रॉक मिल रही है तो उसमें सपोर्ट अरेंजमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पाइप प्रूफिंग वगैरह हो गया, फोर पोलिंग करनी पड़ती है, उसमें एडवांसमेंट कम मिलेगा, लेकिन जाएंगे हम लोग विद सेफ्टी ही। देखुले प्रोजेक्ट मैनेजर आम सीधासख कथा होते कि जो टनल गुड़िक रही टनल गुड़िक कम त्वरित बेगर चली, खूब शीघ्र भाव में चली, ये जो रही टनल गुड़िक रही टनल गुड़िकर कम जितेबाला संपूर्ण भाव में पूरण होता भितर लोके कि भाव में जितेबाला ट्रेन में जावा आसवा करेंगे तर भेन्टिलेसन ठू आरंभ करमी लाइटिंग सिस्टम सबू जिनस आखि आगे रखा जा कम आहरी आग को निजी। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।